हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल मंत्रास यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ओम प्रकाश। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कुर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि कुर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया के एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज के तौर पे, एक बेहतरीन टॉप क्लास मेडिकल कॉलेज के तौर पे जाना जाता है। मेडिकल यूनिवर्सिटी के रूप में ये जाना जाता है। बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई, बहुत ही बढ़िया पढ़ाई और रिसर्च फैसिलिटी, क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए ये यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है और इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। इंडिया से काफ़ी मात्रा में बच्चे हर साल लगभग 200 से 250 के आसपास बच्चे इंडिया से जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। 2021-22 सेशन की यदि मैं बात करूँ आपको, तो ऑफिशियली कुर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स क्लोज हो चुकी हैं, सारे सीट्स फुल हो चुकी हैं सितंबर इनटेक और फरवरी इनटेक दोनों में। आपको ये भी मैं बता दूं आपको कि कुर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसमें सितंबर और फरवरी दो इनटेक होती हैं। अदरवाइज़ रशिया के बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ सितंबर इनटेक ही होते हैं। तो ये एक बता दूं आपको, जो कि आई मीन देर आर वेरियस अदर रीजन्स बिकॉज ऑफ विच यू नो आई मीन कुर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टैंड्स आउट, जिसके बारे में मेडिकल मंत्रालय ने पहले भी कई वीडियो करी हैं और आप लोगों ने उन वीडियो को देखा है, उनको आपने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है। एज यू नो, मेडिकल मंत्रालय इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कुर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड एज आई सेड आई विश टू थैंक ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पेरेंट्स हु बिलीव्ड इन अस, बिलीव्ड इन मेडिकल मंत्रालय एंड टुक एडमिशन इन कुर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एज यू नो, मेडिकल मंत्रालय ऑलवेज ब्रिंग्स ट्रू एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिकल यूनिवर्सिटीज अब्रॉड एंड व्हेन इट कम्स टू मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन रशिया, कुर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अनडाउटेडली स्टैंड्स आउट। दो इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव कम्पेयर टू वेरियस अदर यूनिवर्सिटीज़, लेकिन क्वालिटी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे तो करना ही पड़ता है। मैं आपको बता दूँ, 2021-22 की जो एडमिशन क्लोज हो चुकी हैं और अब 2022-23 सेशन की एडमिशन की प्रोसेस चालू हो चुकी है। वहाँ पे एडमिशन की जो एप्लीकेशन और जो एडमिशन लेटर की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट्स, बच्चे जो कुर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या MBBS इन रशिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को, एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिकल मंत्रालय की टीम आपको सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी। ऐसे तो मेडिकल मंत्रालय की टीम ने कई वीडियो किए हैं पहले भी कुर्ग के बारे में, लेकिन जो आपने, जैसा मैंने बताया कि आपने वॉच भी किया है, काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है, बट इन दिस वीडियो आई वुड क्विकली वांट टू रिकैपिटुलेट अबाउट द यूनिवर्सिटी वेरी ब्रीफली वंस अगेन। जहाँ तक कुर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात आती है, तो कुर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरे रशिया में सबसे पहले फुल 6 ईयर्स इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई चालू करने वाली यूनिवर्सिटी है। पूरे रशिया में सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी में ही इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई चालू हुई थी और काफ़ी पहले 1997-98 बैच से ही यहाँ पे पूरी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो रही है। सो अब तक ऑलमोस्ट 42 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बैचेस पास आउट हो चुके हैं। तो आमतौर पर स्टूडेंट्स के बीच में एक कन्फ्यूजन होती है, एक डाउट होता है कि ये यूनिवर्सिटी बाईलिंगुअल हो सकती है या बाईलिंगुअल है। ऐसी कुछ कन्फ्यूजन, डाउट आप कुर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में न रखें। कुर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को पूरे रशिया में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कराने में, मेडिकल की जहाँ तक बात है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा इनको अनुभव है मेडिकल की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में कराने में। इस बारे में आप निश्चिंत रहें, आश्वस्त रहें। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे वाकई बहुत बढ़िया है, काफ़ी वर्ल्ड क्लास की पढ़ाई वहाँ पे होती है। क्लिनिकल एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छी है। जो ये यूनिवर्सिटी है काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी मॉडर्न आई मीन इक्विपमेंट से और सिमुलेशन सेंटर से इक्विप्ड है। रिसर्च की फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। आमतौर पर नए नए रिसर्च वहाँ से होते रहते हैं और वहाँ पर रिसर्च पेपर्स पब्लिश होती रहती हैं। MCI की जो पासिंग परसेंटेज की यदि मैं बात करूँ, एज एन इंडियन स्टूडेंट आपको इस पर ज़्यादा फोकस रहता है और रहना भी चाहिए, तो MCI की पासिंग परसेंटेज भी कुर्ग में काफ़ी अच्छी है। जो रशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एवरेज से बहुत ही ऊपर है MCI की पासिंग परसेंटेज कुर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। 2021-22 सेशन से एक और भी अच्छी बात वहाँ पे हुई है। आमतौर पे कुर्ग काफ़ी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी रही है, तो नए नए चीज़ें वो करते रहते हैं। 2021 सेशन से उन्होंने दो एडिशनल डिग्रीज भी वहाँ पे दी जा रही हैं। एक तो डिग्री है BS बैचलर इन हेल्थ साइंसेज और दूसरा MPH मास्टर्स इन फिजिकल हेल्थ की दो एडिशनल डिग्री दी जाती है।
ये दिस आई मीन मेक्स कुक्स स्टैंड अपार्ट, यू नो, जो कि इन जो डिग्रीज हैं उनका काफ़ी डिमांड है। बीएस की डिग्री नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में काफ़ी डिमांड है, और एमपीएस की डिग्री जो है वो यूरोपियन इंडियन रीजन में उसकी डिमांड होती है। सो ये जो जो डिग्री जो अभी जो नए कैंडिडेट्स को मिलेंगे, तो इससे आपके जो प्लेसमेंट में, आपके जो करियर में, लॉन्ग टर्म करियर में आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। कनेक्टिविटी के मैं बात करूँ तो बहुत ही वेल कनेक्टेड यूनिवर्सिटी है। मॉस्को से 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये यूनिवर्सिटी है, तो बहुत ही अच्छे से आई मीन फ्लाइट से, ट्रेन एंड रोड से कनेक्टिविटी अच्छी है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम वहाँ पे होती नहीं है। हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है, वहाँ पे 7 गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं, और आई मीन एज सच बहुत ही बढ़िया हॉस्टल की व्यवस्था है। और इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, आपके लिए कोई ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है, आप चाहें तो बाहर रह सकते हैं। यूनिवर्सिटी के आसपास काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको भी ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जिनको हॉस्टल में रहना है, हॉस्टल की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही नॉमिनल रेट पे अपन गवर्नमेंट हॉस्टल्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही। इंडियन फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, इंडियन फूड्स काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है हॉस्टल में भी, और आसपास के रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी इंडियन फूड्स अवेलेबल हैं। यदि मैं फ़ीस की बात करूँ तो वहाँ की जो एनुअल ट्यूशन फ़ी है वो $5,500 है, और हॉस्टल फ़ीस $700 है। सो ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो एनुअल बेसिस पे आपको $6,200 की आपको एक्सपेंस करनी होगी। और यदि मैं पूरे बजट की बात करूँ, पूरी 6 ईयर की MBBS पढ़ाई की जो बजट की मैं बात करूँ, तो अराउंड 30 लाख के आसपास आपकी बजट होनी चाहिए यदि आप कुर्क्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। सो गाइज, यदि आपको कुर्क्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जैसा मैंने बताया इनिशियली आपको कि मेडिकल मंत्रा इज़ ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कुर्क्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ के बारे में कोई भी जानकारी, फ़ीस स्ट्रक्चर हो, एडमिशन प्रोसेस हो, या किसी और तरह की यदि आपको जानकारी चाहिए, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद अस, और मेडिकल मंत्रा की टीम आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। और यदि आप एडमिशन लेने में इच्छुक हैं तो डेफिनेटली वी विल यू नो फैसिलिटेट द इंटायर एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा, एज वेल एज योर ट्रांजिट, यू नो, आई मीन फ्रॉम इंडिया टू कुर्क्स, तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मैं फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमें मेडिकल मंत्रा को इतना अप्रिशिएट किया है। और वैसे कैंडिडेट्स, वैसे पेरेंट्स जो हमारे चैनल पर नए हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो दैट की आई मीन वी ऑल्सो गेट मोटिवेटेड, और अपने फ्रेंड्स, फेलो मेडिकल एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट कि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ में।